गुड इवनिंग नमस्कार शुभ संध्या कैसे हैं बच्चे लोग एकदम फर्स्ट क्लास ओके यस एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल यस हाँ जी बच्चों सुन पा रहे हैं मुझे यस yes? चलिए दोस्तों तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका फार्म एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में तो दोस्तों महामैराथन सीरीज मतलब लक्ष्य है टेन थाउजेंड का लक्ष्य कितना है टेन थाउजेंड का डेफिनेटली लक्ष्य थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन अभी तक हम लोग थर्टी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस महामैराथन सीरीज का यस yes, इस महामैराथन सीरीज के लेकर आया हूं पार्ट नंबर थर्टी वन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड सपोज ट्रीज कौन सा बच्चों सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड सपोज ट्रीज चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे चर्चा करेंगे ओके चलिए क्लियर है सब कुछ

ना ओकेस इज इट ओकेज इट ओके और नॉट यस yes. चलिए अभी ठीक हो गया अभी ठीक है एवरीथिंग इज ओके क्लियर यस तो फिर से स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैड डिस्कशन सेंटर में बच्चों चलिए तो आज महामैराथन सीरीज में हम फिर से करेंगे 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन और ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ध्यान दीजिएगा ओके चलिए ओके okay, अभी ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आज का जो पार्ट होने वाला है पार्ट नंबर थर्टी वन होने वाला है और इसका जो कह सकते हैं कि जो इसका जो टाइटल है आज सेमी सॉलिड डोजिसम एंड सपोज हम सेमी सॉलिड डोजिसम और सपोजिट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आर यू रेडी गाइज यस सब लोग तैयार हैं शुरू करें अभी ठीक हो गया इश्यू क्यों नहीं कर सकते अटेंड बिल्कुल करिए चलिए तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा जीपे टेस्ट अचीवर नंबर जीरो फोर जो होने जा रहा है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आपका मतलब आपके न्यू ईयर के बाद मतलब 2024 में यस yes, कितना थर्ड जनवरी को थर्ड जनवरी को आपको जीपैट अचीवर टेस्ट होने जा रहा है जिसमें आप को ये टॉपिक्स आने वाले हैं ये टॉपिक्स आप लोग देख चुके हैं कर चुके हैं इनका मैराथन आप देख सकते हैं 26 दिसंबर को ये टॉपिक हुआ 27 को आज ये टॉपिक होने जा रहा है 28 को आपका ये मेडिसनल केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा फिर उसके बाद एरक्लोड ड्रग का 29 फिर केमिस्ट्री ऑफ सी एंड ब्लड थर्टी उसके बाद टैबलेट नए नए साल की शुरुआत आपकी टैबलेट के साथ होगी चलिए टैबलेट के साथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर उसके बाद कार्बोन कंपाउंड और थर्ड जनवरी को आपका जो नेक्स्ट फार्माकोलॉजी का टॉपिक होगा वो हम लोग कवर करेंगे देखिए समझ में आ रहा है बच्चों क्लियर तो ये जीपेट अचीवर टेस्ट आपका कितनी तारीख को होने वाला थर्ड जनवरी को होने वाला है शाम सात बजे से लेकर आपके दूसरे दिन सात सात बजे तक आपका ओपन रहेगा चलिए तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं यहां पर पहला क्वेश्चन अ टिपिकल स्किन क्रीम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेरिक स्टेरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लिसरिन वाटर प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम्स देखिए ये क्रीम का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें स्टेरिक एसिड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ग्लिसरिन है वाटर है प्रिजर्वेटिव है परफ्यूम्स है जीपेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है तो इसका जो फॉर्मुलेशन का जो क्रीम है वो कौन सी क्रीम होगी आपकी कोल्ड क्रीम वैनिशिंग क्रीम फाउंडेशन क्रीम ऑल पर्पज क्रीम चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ छोड़ा आप फटाफट इसका आंसर करिए फिर हम उसके बाद इसका मैं आंसर करूंगा चलिए क्या होगा बच्चों इसका आंसर ये फार्मूला बहुत कॉमन फार्मूला है किस टाइप की क्रीम का फॉर्मूला है करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए जनता जा रही है बी के साथ तो हम भी चलेंगे बी बी के साथ बोले तो क्रीम क्रीम ये का है किसका है बच्चों वेनिशिंग क्रीम का है किसका क्रीम का चलिए आंसर चेक कर लेते हैं बी इज द राइट आंसर तो आप देख सकते हैं वेनिशिंग क्रीम का फॉर्मूला स्टेक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लिसरीन वाटर और परफ्यूम प्रिजर्वेटिव आप इसमें यूज कर रहे हो यस हाँ जी बच्चों चलिए

कोलेस्ट्रॉल ये सब एग्जाम्पल आते हैं तो यहां पर देखिएगा ठीक है पेट्रोलिटम होगा नहीं पेट्रोल तो आपका बेस पेट्रोलिटम ऑलिजिन हाइड्रोजनेटेड कलेस्ट्रोल ये भी आपका बेस होता है सिटाइल ओलिजिनकोल भी आपका हाइड्रोकार्बन ऑलिजिनस बेस होता है बस्ता हमारे पास क्या लेनोलिन एब्जोप्शन बेस पूछा है बच्चों क्या पूछा है एब्जॉपन बेस तो बहुमत किसके साथ है बहुमत बी फोर बहुमत लेनोलिन के साथ है तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट एग्जाम्पल पेट्रोलेटम सॉफ्ट पैराफिन या मिनरल ऑयल लिक्विड पैराफिन हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, हार्ड पैराफिन ये ऑलियोजीनस है ऑयली में आएंगे ऑब्जप्शन बेस में वूल फैट बीज वैक्स हाइड्रस लेनोलिन मतलब लेनोलिन और एनाइडस लेनोलिन भी होता है चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं इन केस ऑफ सपोर्टरी बेस एस एफ आई स्टैंड फॉर तो ये क्वेश्चन के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन जीपैट में 2019 में आया था उसी साल दो महीने बाद जब नाइपर जेई का एग्जाम हुआ तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो एस एफ आई का फुल फॉर्म पूछा गया है बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बहुत से बच्चे इसको गलत भी करके आए बहुत बेसिक क्वेश्चन है ठीक है तो क्या होगा ऑप्शन ए सॉलिडिफाइड फैटी एसिड इंडेक्सेस ऑप्शन बी सॉलिड फ्रूड इंडेक्सेस ऑप्शन सी सॉलिड फाइड फैटी एसिड इंक्लाइन और डी सॉलिड फैट इंडेक्स यस अब तो आंसर बदल जाएगा अब आंसर क्या हो जाएगा अब आंसर हो जाएगा डी मतलब सॉलिड फैट इंडेक्स देखिए बच्चों हम मैराथन सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को एक मेरा एक बड़ा अच्छा सुझाव है आप एक कॉपी पेन लेकर रखिए आपको अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो आप नोट डाउन करिए साथ ही साथ आप ये भी लिखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए और कितने क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए तो आपका आज के आज में एक तरीके से जीपेट की प्रिपरेशन का एक जीपेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी एक मॉक टेस्ट टाइप का भी जाएगा। हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहां पर 50 क्वेश्चन और जीपेट में कितने आते हैं? ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगभग लगभग फिफ्टी परसेंट पेपर के आसपास नंबर तो हम लोग कवर कर ही लेंगे जी हाँ तो ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा इस चीज को फॉलो करिएगा तो मैराथन का मतलब निकलेगा नहीं तो क्या होगा हम खाली नौ से दस या नौ से साढ़े दस का टाइम केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं क्वेश्चंस देखने के लिए आए हैं क्वेश्चन से हम क्या सीखे वो वास्तविकता में कब सीखेंगे जो मैं जो बोल रहा हूं उस तरीके का फॉलो करके समझ गया ना मेरी बात को बच्चों ठीक है चलिए तो डी इज द राइट आंसर और आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है हाइड्रोक्सिल वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू आइडीन वैल्यू वाटर नंबर एसिड वैल्यू ये आपको याद रखने इनसे क्वेश्चन आते हैं इनसे क्या आते हैं बच्चों क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको ये याद रखना है चलिए आगे बढ़ चलते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है शेप से उठाया गया क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग दपोर्टरी विद शेप एक तरफ सपोर्टरी दी गई है रेक्टल वेजाइनल यूरिथर इन एक तरफ उनके शेप दिए गए हैं कौन कौन से टॉर्पिडो पेंसिल कॉनिकल बुलेट शेप चलिए मैच करते हैं आप मैच कर दीजिए पहले उसके बाद मैं मैच कर दूंगा तो ज्यादा मजा आएगा ठीक है आप मैच कर दीजिए पहले इसको गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग जो लोग आए उनको ही गुड इवनिंग चलिए इसका आंसर मैच कर दीजिए पहले फिर मैं आंसर दूंगा अपना हाँ जी चलिए आंसर देना शुरू कर दिया तो उससे पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं रेक्टल सपोर्टरी टोरपीडो शेप होती है हैल सपोर्टरी कॉनिकल शेप होती है यूरिथ्रपोर्टरी पेंसिल शेप होती पेंसिल शेप होती है और इयरकॉन जो होती है आपकी बुलेट शेप होती है क्या होती है बुलेट शेप तो फर्स्ट पी सेकंड आर थर्ड क्यू फोर्थ एस मतलब आंसर ए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नॉट बी इट इज आंसर ये शेप आपको याद रखने हैं तो रेक्टल सपोर्टरी पेंसिल शेप रेक्टल सपोर्टरी आपकी टॉर्पिडो शेप होती है वैनल सपोर्टरी कॉनिकल शेप की होती है यूरिथ्रल पेंसिल की जैसी होती है और इयरकोन बुलेट शेप की होती है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट टेबल है इस टेबल को याद रखना यहां पर सपोजिट्री का साइज भी, भी दिया गया है और शेप भी दिया गया है रेक्टल सपोर्टरी का जो वजन वेट रहता है डोज रहता है चिल्ड्रन के लिए वन ग्राम और बड़ों के लिए टू ग्राम वही इसका शेप कैसा होता है आपका टोरपीडो शेप की होती है वहीं अगर वेजानल सपोर्ट्री को देखें तो यहां पर थ्री टू फाइव ग्राम इसका होता है अगर देखें इसको इसका साइज कॉनिकल शेप की होती है यूरिथ्रल फोर ग्राम मेल टू ग्राम फीमेल ये पेंसिल शेप की होती है नेजल सपोर्टरी का वेट वन ग्राम होता है और लेंथ नाइन टू टेन होती है शेप होती है और जो ईयर सपोर्टरी रहती है वो बुलेट शेप की होती है याद रखना तो रेक्टल टॉर्पिडो आर टी रूम टेम्परेचर से याद रखना आर टी मतलब टॉर्पिडो वी सी ठीक है ना वेजाइनल कॉनिकल यूपीथ्रल पेंसिल एनसी नेजल सिलेंड्रिकल और ईबी बी मतलब इयरकॉन और बुलेट शिप ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सपोर्टरी से लिया गया है आर इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द सेवरल ऑरिफाइस इनटू द बॉडी मतलब बॉडी कैविटीज में अप्लाई की जाती है एक्सक्लूडिंग माउथ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है इसका ही होता है इमोलियंट एंड एस्ट्रट मे डिस्पेंस इन दी सपोर्टरी फॉर्म ट्रीटिंग लोकल कंडीशन आइदर वेजानल रेक्टम यूरेथ्रल बिल्कुल सही बात है तो ये पी क्यू आर और एस ये सभी के सभी स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट है ठीक है ना एकदम से क्या बच्चों करेक्ट है इसलिए क्या हो जाएगा सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर डी क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द मस्सुपॉल एक बेस होता है जो कि सपोर्टरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं मस्सुपॉल को तो मसुपोल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट देखिए इसमें क्या पूछा एडवांटेज आप इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन अब पूछा गया है सभी के सभी एडवांटेज है एक को छोड़कर मतलब एक डिसएडवांटेज है ये क्या है डिसएडवांटेज तो यहां पर देखिएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट ऑल्टर ऑन द ओवर हीट तो ये तो एडवांटेज होगा इट फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड मतलब वाटर कैपेसिटी अच्छी खासी है मतलब ये एडवांटेज होगा प्री ऑफ द मोल्ड इज नॉट नेसेसरी ये भी एडवांटेज है क्योंकि ये चीजें क्या होनी नहीं चाहिए एक आइडियल सपोर्टिव बेस में सारी चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि ओवर हीटिंग पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए लार्ज अमाउंट में आपका एक्वस लिक्विड ऑब्जॉर्व करना चाहिए प्री लुब्रिकेशन रिक्वायर नहीं होना चाहिए तो आप इसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है इट सॉलिडिफाइज स्लोली अगर सॉलिडिफाइज स्लोली होगा तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा क्योंकि आइडल सपोर्टरी बेस सपोर्टरी बेस होता है जो बहुत जल्दी से बिना किसी देर किए बहुत ज्यादा टाइम लिए बगैर क्या हो जाए सॉलिडिफाई हो जाए तो दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर देखिए इंफॉर्मेशन नहीं थी हमें इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में लेकिन हमने तीन एडवांटेज निकाल लिए तो ये डिसएडवांटेज अपने आप हमारे सामने आ गया ओके okay, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ चलते हैं सी इज द राइट आंसर और देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन चूज द करेक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर द नेजल सपोर्टरी नेजल सपोर्टरी के लिए स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं चलिए इट इट्स अडल्ट डोज ए टू ग्राम एंड चिल्ड्रन डोज वन ग्राम ये तो रेक्टल सपोर्टरी का होता है इट्स वेट फॉर मेल फोर ग्राम एंड फीमेल फॉर टू ग्राम ये आपका यूरिथल सपोर्टरी का होता है इट्स वेट मेल इज थ्री ग्राम एंड फीमेल फीमेल इज टू ग्राम ठीक है ना एस सच ऐसा कुछ सपोर्टरी में नहीं होता लेकिन अगर आप बात करें नेजल सपोर्टिव थोड़ा लेंथ में बड़ी होती है नाइन टू टेन सेंटीमीटर की होती है और यहां पर वेट यूनिफॉर्म होता है चाहे एडल्ट के लिए हो चाहे चिल्ड्रन के लिए हो चाहे मेल चाहे मेल के लिए हो चाहे वो फीमेल के लिए हो तो यहां पर ठीक है ना तो यहां पर क्या होगा यहां पर कर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी इज द राइट आंसर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर चलिए बात बातें ज्यादा मत करिए क्वेश्चन सॉल्व करिए ठीक है चलिए सी इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास है आप देख सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहां पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन म ऑफ सपोर्टरी टू दी रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबोलि द ड्रग पास थ्रू लोअर एंड मिडल हिमोरोडल बैंड टू दिस्टमिक सर्कुलेशन असरसन रीजन का क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी असरसन बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन रीजन असरसन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है यार करेक्ट रीजन नहीं है बोथ फॉल्स बोथ ट्रू ठीक है ना बोथ ठीक है ना असरसन इज ट्रू और बट रीजन इज फॉल्स बोथ असरजन एड ट्रू रीजन आर फॉल्स क्या होगा चलिए कोई बात नहीं इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं जो रेक्टल रूट रहता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूट रहता है किस वे में इंटरेस्टिंग रूट फर्स्ट पास मेटावॉलिन के तौर पर यहां पर दोनों सप्लाई होती है ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी पहुंचती है और ड्रग हिपेटिक पोर्टल वेन में भी पहुंचती है ड्रग हिपेटिक पोर्टल वेन में पहुंचती है रेक्टल रूट के थ्रू अब्सॉर्व होकर तब उसका फर्स्ट पास मेटावोलिन होता है और ड्रग यदि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उसका फर्स्ट पास मेटावोलिन नहीं होता लोअर और हिमोर वेन से जो ड्रग अब्जॉर्व होकर पहुंचती है वो कहां पर पहुंचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन तो इसका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म नहीं होगा लेकिन यदि यह यहां पर क्या होता कि यहां पर अपर हिमोरोडल बेन होती है तो उस केस में जो ड्रग अपर हिमोरोडल बेन से अब्जॉर्ब होती है तो उसका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होता है तो यहां पर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन असर्शन का एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए ओके चलिए ए इज द राइट आंसर हो गया आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू लोअर हिमोरेडल बेन मिडल हिमोरेडल बेन अपर हिमोरेड अपर हिमोरेडल बेन से ड्रग जो ऑब्जर्व होगी पोर्टल बेन में जाएगी लोअर और मिडिल से कहां पर जाएगी आपकी जनरल सर्कुलेशन में पहुंचेगी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन अगाध सिंपल क्वेश्चन इट रीड द फॉलोविंग गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दियोब्रामोल इट इज इट इज वाइडलीक्टल बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बादल होते हैं चार फॉर्म होते हैं अल्फा बीटा बीटा डैश और गामा बीटा फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है बाद बाकी क्या होते हैं मेटा स्टेबल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोको बटर 32 35 ये करेक्ट है मेटिक पॉइंट ऑफ पॉलीमोफिक गांव फॉर्म इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम होता है तो ये क्यू गलत हो गया पी आर एस करेक्ट है तो पी आर एस किस में करेक्ट है क्यू इनकरेक्ट करेक्ट ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा क्या होगा बच्चों ये होगा कि नहीं ये होगा कि नहीं कुछ लोग बी बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं अब बताओ ए होगा कि नहीं होगा ए बराबर होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बराबर होगा ए इज द राइट आंसर तो देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है यहां पर अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 24 बीटा डैश का ट्वेंटी थर्टी 31 व... बीटा फॉर्म 34 से 30 फॉर्म और गामा फोर का 18 और आपको पता है कि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बाद बाकी फॉर्म मेटा स्टेबल होते हैं यहां पर नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ ऑइंटमेंट हैंडलिंग इज कंपेरेटिवली ईजियर देन दी बल्कि लिक्विड तो यहां पर देखिए तीन तरह के फॉर्म होते हैं अगर देखें हम सॉलिड लिक्विड हा लिक्विड ना बोल के हम इसको एक मिनट सॉलिड सेमी सॉलिड और लिक्विड अगर हम बात करें बल्कि के बारे में बात करें सबसे ज्यादा बल्कि होते हैं मोर बल्की मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं और सॉलिड होते हैं लेस बल्कि मोस्ट लेस बल्कि सबसे कम बल्कि होते हैं ये इंटरमीडिएट बल्कि टाइप के होते हैं सेमी सॉलिड तो अगर हम बात करें लिक्विड के कंपेरिजन में देखें इनकी बल्किनेस थोड़ी सी कम रहती है इसलिए हैंडलिंग आसान होती है ये करेक्ट हो गया केमिकल स्टेबिलिटी इज मोर देन लिक्विड डोजिसफॉर्म लिक्विड डोजिस्फॉर्म सबसे कम स्टेबल होते हैं तो सेमी सॉलिड फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ी सी तो ज्यादा रहेगी इसलिए क्यू करेक्ट हो गया दे आर लेस बल्कि एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म नहीं बाबा सॉलिड फॉर्म के कंपेरिजन में ये मोर बल्कि होते हैं ना कि लेस बल्कि तो ये तो इनकरेक्ट हो गया दे आर सुटेबल फॉर पेशेंट सेंसिटिव पेरेंटल एंड ओरल रूट तो यहां पर फॉर्म ठीक है ना यहां पर डोजेस फॉर्म पेरेंटल और ओरल रूट से नहीं दे सकते थे वहां पर हम ऑइंटमेंट रूट मतलब टॉपिकल रूट से डोजेस को एडमिस्टर करा सकते हैं मतलब ऑइंटमेंट वहां पर बेनिफिशियल है तो आपका पी करेक्ट पी करेक्ट आपका क्यू करेक्ट और एस करेक्ट पी क्यू एस किसमें करेक्ट हो रहा है पी क्यू एस सॉरी सॉरी पी आर एस पी आर एस पी आर एस नहीं पी आर एस नहीं पी क्यू आर सॉरी पी क्यूएस पी क्यू एस पी क्यू एस पी आर एस नहीं आर तो इनकरेक्ट है पी क्यू एस पीएस क्यू ये, रह, ये रह, पहली रहा रहा कहा ढूंढ रहे थे हम यहां मिल गया कहा ढूंढ रहे थे उसको यही मिल गया ठीक है तो पीएस क्यू करेक्ट है आर इनकरेक्ट है तो मतलब ए हो जाएगा ठीक है ए हो जाएगा नहीं ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है देखिए कंसेप्ट को देखिए क्यू क्यू करेक्ट है पी करेक्ट है एस करेक्ट है बट आर इन करेक्ट है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ओके चलिए आगे बढ़ चलते हैं ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जॉप अइंटमेंट बेसिस एक्सेप्ट सभी के सभी इसमें ऑब्जेप्शन बेस कैटेगरी में आते हैं केवल एक को छोड़कर एनाइड्रस लेनोलिन हाइड्रस बुलफैक्ट बीजवैक्स ये तीनों के तीनों और ऑप्शन है व्हाइट मिनरल ऑयल बल्कि मतलब क्या होता है हैंडलिंग में डिफिकल्टी जैसे आप लिक्विड को उठा के ले जाओगे तो उसको हैंडलिंग में डिफिकल्टी होगी सॉलिड को उठा के ले जाओगे उसके हैंडलिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी यहां पर बताइएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है क्वेश्चन तो यहां पर क्या हो जाएगा डी व्हाइट मिनरल ऑयल व्हाइट मिनरल ऑयल कैसा होता है ऑलियाजीनस बेस होता है व्हाइट मिनरल ऑयल कैसा होता है ऑलियाजीनस बेस होता है इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप देख सकते हैं यहां डिस्क्रिप्शन में ओके okay. चलिए नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं विट फील्ड ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर मेथड ट्राइचुरेशन मेथड केमिकल रिएक्शन मेथड ऑल ऑफ मैथ यह क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जनता के लिए छोड़ा है इसका क्या आंसर आता है बहुमत क्या जाता है बताइएगा जनता से मैं चाहूंगा कि जनता इसको आंसर करे यस yes. क्या होगा क्वेश्चन नंबर मेंशन करो तो वो अच्छा लगेगा क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए वो बहुत बढ़िया क्या होगा ऑडियंस पोल चल रहा है ऑडियंस पोल चल रहा है कुछ जनता ए भी कह रही है कुछ जनता डी देख रही है ऑल ऑल को ढूंढ रही है ऑल को ढूंढ रही है बेटा सभी ऑल आंसर करेक्ट नहीं होते और सभी नन आंसर इनकरेक्ट नहीं होते मैं पहले ही बता चुका हूं सभी ऑल आंसर करेक्ट नहीं होते सभी नन आंसर इनकरेक्ट नहीं होते ठीक है क्या होगा ज्यादातर जनता बी को पसंद कर रही है चलिए हम भी बी को ही पसंद करते हैं देखते हैं आंसर सही है कि नहीं बिल्कुल सही है जनता बिल्कुल सही है ऑडियंस पोल के मुताबिक 90 प्रतिशत जनता ने जो आंसर दिया वो ट्राइचुरेशन मेथड ही दिया था क्या दिया था ट्राइच्युरेशन मेथड तो बी इज द राइट आंसर कुछ ने ए भी दिया कुछ ने डी भी दिया केमिकल रिएक्शन मेथड से आप कौन सी बताते हो आप आयोडिन प्रिपेयर करते हो चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्यूजन मैथड ट्राइचुरेशन मैथड और केमिकल रिएक्शन मैथड तो सिंपल ऑइंटमेंट आपका फ्यूजन मेथड से बनता है विटफील्ड ऑइंटमेंट जो होता है आपका ट्राइचुरेशन मेथड से और केमिकल रिएक्शन से आयोडीन ऑइंटमेंट चलिए आगे बढ़ते रीड अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑलियोजीनस बेस ऑफ ऑइंटमेंट ऑलियोजीनस कौन सा ओलियाजीनस चलिए ये पी आर एस वाले क्वेश्चन रहते हैं तो हमारे दिमाग के जो कहते हैं ज्ञान चक्षु नॉलेज ऑफ आई को ओपन कर देते एकदम से चार चार स्टेटमेंट रहते हैं तो हमें पूरी ताकत झोंक देनी रहती है इनको सॉल्व करने के लिए चलिए अपना पूरा ज्ञान का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं ओलियाजीनस बेस के बारे में पूछा गया है ओलियाजीनस बेस नाम ही ओलियाजीनस है क्या ये हाइड्रोफिलिक नहीं होंगे नहीं होंगे ये हाइड्रोफोबिक होते हैं कैसे होते हैं हाइड्रोफोबिक पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया

आ, इसका ऑलियोजीनस भी इसका तो यहां पर पी इनकरेक्ट है क्यू आर एस करेक्ट है तो क्या हो गया क्यू आर एस करेक्ट बट पी इज इनकरेक्ट जनता ने मुझसे पहले ही आंसर दिया अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात होगी जनता ने आंसर पहले ही दे दिया खुशी हुई दिल खुश हो गया दिल गदगद हो गया मजा आ गया मजा आ गया ठीक है मजा आ गया आंसर ए कर दिया आपने बहुत बढ़िया दिल से खुशी हुई चलिए सी इज द राइट आंसर ओके चलिए द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज द एस्टिक एसिड टू टू यूज टू एस्टेलेट वन ग्राम ऑफ फैट ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल वैल्यू ऑप्शन बी सफोनिफिकेशन वैल्यू ऑप्शन सी वाटर नंबर ऑप्शन सी वाटर नंबर ऑप्शन डी एसिड वैल्यू जल्द ही आएंगे जल्द ही आएंगे बेटा चलिए जनता से पूछूंगा इसका हिसाब इस क्वेश्चन का हिसाब जनता के पल्ले जनता के हिस्से कौन सा अरे भाई ये हाइड्रोक्सिल वैल्यू की डेफिनेशन है हाइड्रोक्सिल वैल्यू की डेफिनेशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज एसिड टू ग्राम ग्राम ऑफ ऑफ फैट फैट को एसिटाटेड करने के लिए जितना एस्टिक एसिड यूज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना लगेगा वो क्या होगा हाइड्रोक्सिल वैल्यू होगा ठीक है ना क्या होगा हाइड्रोक्सिल वैल्यू तो क्वेश्चन नंबर 1514 है क्वेश्चन नंबर 1514 का आंसर है हाइड्रोक्सिल वैल्यू चलिए बहुत अच्छा आंसर ए हो गया तो आप देख सकते हैं यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारा ये डेफिनेशन बच्चों याद रखनी है आपको ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा चलिए ओके नेक्स्ट विस्कस इंबलशन ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इंटेंडेड फॉर द दिकेशन टू द स्किन इससे सिंपल क्वेश्चन आज का अब तक का कुछ नहीं हो सकता बच्चों बताइएगा आंसर आपके हिस्से में छोड़ा मैंने ऑप्शन ए ऑइंटमेंट ऑप्शन बी क्रीम ठीक है ऑप्शन सी पेस्ट ऑप्शन डी जेल यस यस इमल्शन क्या होती है सेमी सॉलिड इमल्शन अरे भैया सेमी सॉलिड इमल्शन क्या होता है क्रीम की अगर डेफिनेशन उठा के देखोगे क्रीम की डेफिनेशन अगर आप उठा के देखोगे तो क्या पाओगे क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन क्रीम्स क्या होती हैं सेमी सॉलिड इमलशन होती हैं होती है, है कि नहीं आंसर भी आ गया मेरे हाथ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसने गलत गलत किया है उसको पाप लगेगा जिसने गलत किया है उसको पाप लगेगा डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था ऑइंटमेंट नहीं बेटा विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड विस्कस है इमल्शन है सेमी इमल्शन के लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्रीम होता है चलिए ये सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन होती है क्रीम्स विस्कस इमल्शन होती है पेस्ट थिक प्रिपरेशन होती है जेल आपकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है चलिए ऑइंटमेंट कंटेन मेन एपीआई ठीक है ना मैन एपीआई इनग्रीडियंट बोरिक एसिड एंड एसिटाल सेलिसिक एसिड निस्टेटिन एंड सेलिसिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड एसिटाल सेलिसिक एसिड एंड ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड एंड सेलिसिक एसिड ठीक है क्या होगा बच्चों आंसर चलिए सबसे तेज आंसर आया सबसे तेज आंसर आया रितिका संजीवन बहुत बढ़िया ओके बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड क्या होता है बेंज़ेक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को मिलकर हम वेट फील्ड ऑइंटमेंट बनाते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा डी यस डी इज द राइट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपॉन स्टैंडिंग सम टाइम जेल सिस्टम श्रिंक बिट एंड लिटिल लिक्विड इज प्रेस्ड आउट व्हाट इज द फिनोमेना इज नॉन एज ओजिंग सिनेसिस श्रिंकेज डिसॉल्वेशन ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को पता होगा बच्चों मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में सबसे तेज आंसर कीजिएगा मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ सबसे तेज आंसर चाहिए चलिए क्वेश्चन को देखते साथ ही क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे ओके राकेश नहीं बेटा बिलास सबसे तेज आंसर दिया है करेक्ट आंसर दिया उसके बाद संजीवन ने अंशु मनीष ओके फिर तो अब लंबी चौड़ी लिस्ट है गलत आंसर मत दीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है जब हाइड्रोजल जो होता है तो उसके जो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं उनके बीच जब इंटरेक्शन होता है कुछ इनकम्पेटेबिलिटी होती है उसके कारण क्या होता है कि उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उज आउट हो जाता है स्क्वीज आउट हो जाता है तो उस फिनमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों सिनेरसिस के नाम से जानते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिनेरसिस सिनेरसिस की डेफिनेशन है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर

तो क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो मौका निकलता जा रहा है उनके हाथ से सिलेबस बढ़ता चला जा रहा है तो देर किस बात की आज ही इन कीजिए अपने आप को क्रैश कोर्स में बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही है क्रैश कोर्स में अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं विद कंसेप्ट के साथ तो और क्वेश्चन भी ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं क्वेश्चन भी ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं क्वेश्चन भी आपके ढेर सारे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आपको मात्र सिक्स थाउजेंड रुपीज में टेन थाउजेंड प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर टू फिफ्टी प्लस आपको लाइव क्लासेस फाइव फाइव हंड्रेड ऑनलाइन टेस्ट फाइव हंड्रेड डीपीपी और बहुत सारा फ्री ई कंटेंट आपको मिलेगा चलिए कोई बात नहीं है दिस इज योर चॉइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड अबाउट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेल जेल के बारे में ठीक है ना रिगार्डिंग जेल लिक्विड बेस इज कॉन्ट्र कॉन्स्ट्रेंट विद इन द थ्री डायमेंशनल पॉलीमेरिक मेट्रिक्स बिल्कुल सही है पी ऑप्शन कार्बोक्सी मिथाइल सेल्डोज एंड प्लूरोनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेलिंग एजेंट बिल्कुल करेक्ट है स्वेलिंग टेकिंग ऑफ जेल विद डिक्रीज इन वॉल्यूम भैया वॉल्यूम आप 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 क्या वाटर लिक्विड लिक्विड को कर कर रहे हो. Liquid का intake कर रहे हो हो का ध्यान दीजिएगा आप लिक्विड का इनटेक कर रहे हो तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा डिक्रीज कहां से हो जाएगा तो ये तो रॉन्ग हो गया थिक्जोट्रॉपी इज द रिवर्सिबल जेल टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन विथ नो चेंज इन दी वॉल्यूम टेम्परेचर तो आपका पी करेक्ट है क्यू करेक्ट है आर इनकरेक्ट है एस इनकरेक्ट है पी क्यू एस पी एस क्यू आर करेक्ट आर इन करेक्ट किस में ऑप्शन ए में है किसमें है ऑप्शन ए में तो जनता किसके साथ जाएगी ऑप्शन ए के साथ चलिए तो आप देख सकते हैं यहां पर यह इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन चलिए जनरली पेस्ट कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ इंसोलेबल सॉलिड लो परसेंटेज ऑफ इंसोलेबल सॉलिड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए तो ऑइंटमेंट और पेस्ट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो पेस्ट में जो आपका सॉलिड कंटेंट होता है या पार्टिकुलेट मैटर होता है सॉलिड मटेरियल होता है वो अप टू अप टू फिफ्टी परसेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट तो यहां पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ए हाई परसेंटेज ऑफ इनसोलिबल सॉलिड्स ए इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ जाते हैं साइज ऑफ इन सपोर्टरी फॉर फीमेल एंड मेल वन एंड टू ग्राम टू एंड थ्री ग्राम टू एंड फोर ग्राम थ्री एंड थ्री एंड फोर ग्राम इसका डिस्क्रिप्शन मैं करा चुका हूं आपको मैं आंसर की प्रतीक्षा करूंगा आपका हाँ ट्वेंटी परसेंट से लेकर फिफ्टी परसेंट तक ज्यादा होता है यस yes. इसका आंसर क्या होगा यस क्वेश्चन नंबर वन फाइव जीरो इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं आंसर इसका आंसर है टू एंड फोर ग्राम पहले ही बताया था मैंने टू एंड फोर ग्राम और पेंसिल शेप होती है देखिए ये आपका डिस्क्रिप्शन है एंड ग्राम की होती है टू ग्राम की मेल के लिए सॉरी टू ग्राम फीमेल के लिए फोर ग्राम फीमेल के लिए लेंथ सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव एमएम होती है और पेंसिल सेप की होती है चलिए लिक्विड पैराफिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल ओरिजिन मिनरल ओरिजिन सिंथेटिक ओरिजिन और सेमी सिंथेटिक ओरिजिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा देखिए लिक्विड पैराफिन है पैराफिन मतलब एनिमल ओरिजिन से तो होगा नहीं सिंथेटिक ऑरिजन से भी नहीं होगा सेमी सिंथेटिक ऑरिजन से भी नहीं होगा यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जो लिक्विड पैराफिन होता है वो आपका मिनरल ऑरिजन से ऑप्टेन किया जाता है किससे करते हैं हम मिनरल ऑरिजन से ऑप्टेन करते हैं तो मतलब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा मिनरल ऑरिजन बी इज द राइट आंसर आप देख सकते हैं यहां पर पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका ये रखा हुआ है ओके चलिए क्रीम्स आर इमल्शन सस्पेंशन ऑइंटमेंट पेस्ट क्रीम का एक और क्वेश्चन बड़ा ही क्रीम सस्पेंशन नहीं होती ऑइंटमेंट एक अलग सिस्टम होता है पेस्ट एक अलग सिस्टम होता है क्रीम्स क्या होती हैं क्रीम्स आर सेमी सॉलिड विस्कस इमल्शन आर ऑफ टू टाइप कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम दो तरह की होती है ओ डब्ल्यू टाइप की क्रीम वेनिशिंग क्रीम डब्ल्यू ओ टाइप की क्रीम कोल्ड क्रीम यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इमल्शन आगे बढ़ जाते हैं The ointment base of mineral origin. Mineral origin का देखिए ये आपके तो होते हैं, लेकिन यदि हम बात करें, तो ये प्लांट ऑरिजन से ऑप्टिन किए जा रहे हैं किससे बच्चों प्लांट ऑरिजन से ऑप्टिन किए जा रहे हैं यहां पर डी जो है पैराफिन 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 जो होगा वो किससे होगा मिनरल ओरिजिन से होगा किससे होगा बच्चों मिनरल ओरिजिन से होगा तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका डेफिनेटली जो राइट right आंसर होगा वो क्या होगा डी पैराफिन वैक्स डी इज द राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर चलिए ग्लिसरीन सपोर्टरी कंटेनिंग 92 परसेंट ग्लिसरिन सपोर्टरी में करीब करीब परसेंट ग्लिसिन होता है सॉफ्ट होती है लेकिन इसको सॉलिडिफाइड करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है व्हाइट स्टीरिक एसिड सोडियम स्टीरेट पीजी फोर थाउजेंड यस क्या होगा आंसर नहीं बेटा इसमें जो सब्सटेंस दिख रहा है आपको सोडियम स्टीरेट सोडियम स्टेरेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ दी सपोजिटरी सोडियम स्टेरेट यूज किया जाता है किसी बच्चे ने सी आंसर नहीं दिया सब बच्चे कोई ए दे रहा है कोई बी दे रहा है कोई डी दे रहा है डी सबसे ज्यादा दे रहे हैं डी राइट आंसर नहीं है डी इज नॉट ए राइट आंसर राइट आंसर क्या है आपका राइट आंसर क्या है सी स्टेरिक एसिड चलिए तो यहां पर देखिए आपका लेक में फॉर्मूले दिया हुआ है तो सोडियम स्ट्रेट का जो पर्पज रहता है जो हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय कुछ देर पहले हमने सॉलिड फैट इंडेक्स का फुल फॉर्म पूछा था अब सॉलिड फैट इंडेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं बाय द पोटेंशियोमेट्री मैट्री टाइट्रेशन वोल्टामेट्री या डायलेटोमेट्री कैसे करते हैं तो सॉलिड फैट इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए सॉलिड फैट इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है उस मेथड का नाम है हाँ सोडियम स्टेरेट और स्टेरिक एसिड में कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे पता है उसका नाम है क्या डायलेटोमैट्री मैंने आपके लिए एक सस्पेंस करके रखा था मैं आप लोगों के आंसर की प्रतीक्षा कर रहा था क्या होगा बच्चों आंसर यहां पर डायलेटोमेट्री डी इज द राइट आंसर और ये देख सकते हैं आप ये डायलेटोमेट्री है जिसके थ्रू हम सॉलिड फैट इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेहद ही सिंपल क्वेश्चन और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख चुके हैं कोकुआ वटर इन अवेलेबल इज अवेलेबल इन दॉलोइंग फॉर्म अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म गामा फॉर्म या डी ऑल ऑफ दी अवब अल्फा बीटा गामा या ऑल ऑफ दी देखिए अल्फा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता, होता है बीटा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है बीटा डेस्क के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और गामा के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है तो यहां पर जनता बिल्कुल सही रहेगी ऑल ऑफ ऑफ दी अवब आंसर डी यहां पर सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर बेहद ही सिंपल क्वेश्चन चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ए दे रहे हैं आंसर वो गलत है डी इज द राइट आंसर चलिए बीज वैक्स इज एन इनग्रीडियंट ऑफ बीज वैक्स किसका इनग्रीडियंट होता है किस टाइप का बेस होता है चलिए पहला ऑलियाजीनस बेस दूसरा आपका अब्जॉर्प्शन बेस तीसरा आपका इंबलशन बेस और चौथा आपका वाटर सोल्यूबल बेस बीज वैक्स बीज वैक्स किस कैटेगरी में आता है ऑप्शन ए ऑलियजिनस ऑप्शन बी अब्जॉर्प्शन ऑप्शन सी इमल्शन एंड ऑप्शन डी वाटर सोल्यूबल यस बीज वैक्स इज द टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस हाइड्रस लेनोलिन एनहाइड्रस लेनोलिन बीज वैक्स कोलेस्ट्रॉल ये सभी के सभी किस में आते हैं आपके अब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं ऑलियोजीनस में आता है इमल्शन बेस में इमल्शन टाइप के बेस आते हैं वो वाटर सोल्यूबल बेस में कौन सा आता है आपका मैक्रोगोल आता है इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर और ये देख सकते हैं यहां पर इसका जो पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपके सामने अवेलेबल है आप देख सकते हो चलिए

प्रोटीन जो प्रोटीन आपकी मेम आपकी बैरियर में होता है आपके स्टेटम कॉर्नियम का प्रोटीन कौन सा क्रेटिन प्रोटीन उसका डिनेचुरेशन कर देता है उस डिनेचुरेशन के कारण क्या होता है इसमें से क्या होता है कि ड्रग का पेनिट्रेशन क्या हो जाता है बच्चों प्रमोट हो जाता है इसलिए इसके मोड ऑफ एक्शन को याद रखिए इस बार शायद ये क्वेश्चन आ चुका है में या फिर किसी दूसरे एग्जाम में देखा गया था लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा पेनिट्रेशन एनसर की मोड ऑफ एक्शन कुछ और क्वेश्चन भी मिलेंगे ऐसे चलिए तो आप देख सकते हैं कौन कौन से सबसे होते हैं जो मोड ऑफ जो आपका पेनिट्रेशन को एनहांस करते हैं सल्फ ऑक्साइड एजॉन पारेलिडॉन फैटी एसिड एल्कोहल सर्फेक्टेंट यूरिया टर्पिन ये आपको ऑल्टन में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा में ये आपको डायग्राम मिल जाएगा डेफिनेटली तो ये डायग्राम आपको आपको काफी मददगार होगा आपके लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा हो याद रखना इस डायग्राम को इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फैट ड्यू टू रेंसिडिफिकेशन इज इंडिकेटेड बाय लो आयोडन वैल्यू हाई आयोडिन वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू हाई वाटर नंबर तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है घुमा के पूछा गया है रेंसिडिफिकेशन कब होता है जब किसी फैटी एसिड में क्या होता है अनसेचुरेशन होता है मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आयोडीन हाईली रिएक्ट करता है

आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन फाइव थ्री जीरो द नंबर ऑफ पार्ट बाय वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ वन पार्ट बाय वेट ऑफ बेस ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा ये डेफिनेशन होती है कि कितना पार्ट ड्रग ने आपका ऑइंटमेंट बेस का या कह सकते हैं सपोजिटरी बेस का या कह सकते हैं कि सेमी सोल्ट बेस का डिस्प्लेस displace किया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मेडिकामेंट वैल्यू ठीक है सपोजिटरी वैल्यू और आइसोटोनोसिटी वैल्यू तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपका सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसका कितना पार्ट ड्रग ने डिस्प्लेस किया तो मतलब ए इज द राइट आंसर चलिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिट्रेशन इन आंसर इस क्वेश्चन में से आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा मैं बताऊं ऑप्शन के हिसाब से मॉडिफाइड द सॉल्वेंट नेचर ऑफ मोडिफाइड कॉर्नियम बिल्कुल करेक्ट है अल्टर द सॉल्वेंट नेचर ऑफ मेम्ब्रेन बिल्कुल करेक्ट है फैटी एसिड इंटरेक्ट एंड मोडिफाइड स्टेटम कॉर्नियम लिपिड ये भी करेक्ट है तो और पारेलिडोन इन इंक्रीज द ड्रग सोलिबिलिटी एंड थर्मोडानेमिक एक्टिविटी पारेलड्रॉन तो आपका सॉल्वेंट नेचर को अल्टर करता है के. ये काम नहीं करता ये पारेलड्रॉन का काम नहीं है तो इसलिए डी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डी इज द राइट आंसर आप देख सकते हैं यहां पर च ऑफ दी फॉलोइंग सबस्टेंस कॉज इनकम्पेटेबिलिटी विद दीजी बेस पॉलीथाइन ग्लेस मैक्रोगोल कार्बोबैक्स के साथ में कौन से सबस्टेंसेज जो होते हैं वो इनकंपेटेबिलिटी शो करते हैं ऑप्शन ए सिल्वर साल्ट ऑप्शन बी टेनिक एसिड ऑप्शन सी एस्पिरिन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ व्हाट इज द करेक्ट आंसर यस सभी के सभी ये सभी के सभी वह कंपाउंड जो पीजी बेस के साथ में क्या करते हैं इनकम्पेटेबिलिटी शो करते हैं क्या करते हैं बच्चों इनकंपेटेबिलिटी तो मतलब डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर आगे बढ़ चलते हैं हम लोग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इमल्सिफाइंग बेसिस एक्सेप्ट इनमें सभी के सभी इमल्सिफाइंग बेसिस है केवल एक को छोड़कर टपसॉल मसूपॉल, मैक्रोगोल या मस्सा स्टर्नाइनम आप खुद निकाल लीजिए आंसर क्या होगा आंसर यस yes. क्या होगा देखिए मैक्रोगोल पीजी पीजी क्या होता है वाटर सोल्यूबल बेस होता है ना कि मल्सिफाइंग बेस पीजी कैसा होता है वाटर सोल्यबल बेस होता ना कि इमल्सिफाइंग वट एफ सोल्व मसूपोल मसास्टम ये सभी इमल्सिफाइंग बेस रहते हैं लेकिन मैक्रोगोल कैसा होता है आपका वाटर सोलबल बेस होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ओके ये आपका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है आपके सामने तो महामैराथन सीरीज के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चालू है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं मात्र निन्यानबे रुपए फीस फीस पर इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको ये बार कोड आपका है इसको स्कैन कर लीजिए या फिर आप हमारी जो एप है जीडीसी क्लासेस एप है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप इस आ, टेस्ट सीरीज को शुरू कर सकते हैं आ, प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको टेन थाउजेंड एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है नाइनटी नाइन रुपीज है इतने से महंगा तो पिज्जा आता है आपका ठीक है तो आपके बेहतर करियर के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया स्वरूप दे सकते हैं चलिए विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सपोजटरी इनमें से कौन सी मेथड होती है सपोजिटरी को बनाने के लिए यूज करते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग डिजोल्यूशन स्टेलाइजेंट डिसन यस वॉट इज द राइट आंसर हैंड रोलिंग कंप्रेशन मोल्डिंग ऑटोमेटिक मोल्डिंग और फ्यूजन मेथड यह सारी की सारी मेथड होती है सपोर्टरी को बनाने के लिए लेकिन डिजोल्यूशन स्टेलाइजेंट डिस नहीं यूज करते इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर देखिए हैंड मोल्डिंग कंप्रेशन मोल्डिंग पोर मोल्डिंग या फ्यूजन मैथड होती है और ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन शेप ऑफ रेक्टल सपोर्टरी रेक्टल सपोर्टरी का शेप क्या होता है कॉनिकल शेप सिलेंड्रिकल शेप बुलेट शेप या टॉर्पीडो किस टाइप की शेप की होती है ये मैंने बताया था इसका आंसर आप लोगों से चाहूंगा मैं इसका आंसर क्या होगा यस yes. किस टाइप की डी टॉर्पिडो टाइप की मैंने बताया था आर टी आर टी से याद रखना आर फोर रैक्टल टी फोर टॉर्पिडो चलिए आगे बढ़ चलते हैं लेयर्ड सपोर्टरी कंप्राइजिंग एन आउटर शेल दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट जो लेयर्ड सपोर्टरी होती है एक एडवांसमेंट आ गया सपोर्टरी का तो लेयर के फॉर्म में होती है सपोर्टरी तो उसकी आउटर जो लेयर रहती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होगा 37 टू 38, 34 टू 35, 35 टू 40, थर्टी टू 35. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 सेवन टू दी थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड ए इज द राइट आंसर चलिए इस तरीके की रहती है लेट सपोर्टरी एसिड वैल्यू ऑफ कोको बटर ये आपको कुछ वैल्यूज कोका बटर के बारे में याद रखनी है कोका बटर काफी इंपॉर्टेंट है नॉट मोर देन टू नॉट मोर देन थ्री नॉट मोर देन फोर नॉट मोर देन वन जनता क्या बोलेगी यस yes. क्या होगा इसका आंसर नॉट मोर देन फोर इसको ऐसे याद रखिएगा बेटा मैं याद रखने का तरीका आपको बता दू कितने पॉलीमोफिक फॉर्म होते हैं चार पॉलीमोफिक फॉर्म होते हैं और इसकी एसिड वैल्यू चार से ज्यादा नहीं होती इसको याद रखने की ट्रिक है सी इज द राइट आंसर तो यहां पर देखिएगा इसकी आइडियन वैल्यू थर्टी से थर्टी एसिड वैल्यू नॉट मोर देन फोर बेल्टिक पॉइंट थर्टी फोर और सब आपके इसके पॉलीमोफिक फॉर्म कितने चार रेक्टल सपोर्टरी मेनली यूज फॉर कंस्टिपेशन बी नन ऑफ दीज किस केस में आप यूज करते हो रेक्टल सपोजट्रीज को इन दोनों केसेस में ठीक है ना इन दोनों केसेस में कॉन्स्टिपेशन और हिमोरइड दोनों ही केस में आप क्या करते हो सपोजट्री को यूज करते हो तो मतलब बोथ आंसर हो जाएगा यस yes. द रेट लिमिटिंग बैरियर इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन आपने देखा होगा आपकी लेयर स्किन की लेयर रहती है उसको क्रॉस करके आपका जो ट्रांसफॉर्मर प्रिपरेशन है वो इंट्रोड्यूस करती है तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आपका रेट लिमिटिंग बैरियर होती है अब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहां पर स्टेटम लूसिडम स्टेटम गोसम स्टेटम स्पाइनोसम और स्टेटम कॉर्नियम स्टेटम कॉर्नियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेटम कॉर्नियम जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और यही रेट लिमिटिंग बैरियर का काम करती है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर डी इज द राइट आंसर द लिक्विफेक्शन टाइम ऑफ कोको बटर और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल बेस्ड सपोज थर्टी टू फिफ्टी मिनट थर्टी टू फोर्टी मिनट इलेवन टू 17 मिनट थ्री टू सेवन मिनट तो बच्चों इसको आपको याद रखना है आपकी जो आपकी कोको बटर सपोर्टरी रहती है वो तीन से सात मिनट में क्या हो जाती है लिक्विफाइड हो जाती है थ्री टू सेवन मिनट में क्या हो जाती है लिक्विफाइड हो जाती है तो मतलब क्या हो जाए करेक्ट आंसर ठीक है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी थ्री टू सेवन मिनट्स फॉलोइंग हैज लो मोलिकुलर रेट यूज एज अक टेंट इन क्रीम इनमें से सबसे कम लो मोलिकुलर रेट वाला सब्सटेंस जो कि ह्यूमिक टेंट के जैसे भी काम करता है ग्लिसरिन प्रोपालिन गोल सॉरबिटोल सेवेंटी परसेंट और पॉली इथलिन ग्लाइकॉल यस वॉट इज द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या है डी इज द राइट आंसर पॉली इथालीन ग्लाइकॉल आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग इन ऑफ के फॉर्मुलेन सारे में के एक को छोड़कर ऑप्शन ए सोडियम ऑप्शन सी पैक्टिन ऑप्शन डी तो यहां पर सोडियम एल्जिनेट स्टार्च और पैक्टिन ये सभी क्या जेलिंग एजेंट होते हैं लेकिन ग्लिसरिन नहीं होता क्या होता है ग्लिसरिन नहीं होता तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ग्लिसरिन इज नॉट अ जेलिंग एजेंट इसलिए डी इज द राइट आंसर क्रीम्स आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर्स लिक्विड इमल्शन सेमी सॉलिड इमल्शन सस्पेंशन ऑफ मोर विस्कस इन मैटर क्या होगा करेक्ट आंसर यस yes. क्या होगा क्वेश्चन नंबर वन फाइव फोर थ्री करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा सेमी सॉलिड इमल्शन सेमी सॉलिड इमल्शन होती हैं क्या होती है सेमी सॉलिड इमल्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते हैं कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ये आपको याद रखना है ऑप्शन ए बाल्टीमोर पेस्ट ऑप्शन बी लेजार पेस्ट ऑप्शन सी मॉरिसन पेस्ट और ऑप्शन डी उन्ना पेस्ट अगर आंसर पता हो तो प्लीज आप कंफर्म कीजिए नहीं तो मैं फिर आंसर दूंगा करेक्ट आंसर इज ए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका ए बहुत बढ़िया बाल्टी मोर पेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा ए बाल्टी मोर पेस्ट तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के पेस्ट दिए गए ये इनका कंपोजिशन दिया गया ये आपको याद रखना है जैसे कंपाउंड जिंक सेलिस एसिड लेजर पेस्ट कंपाउंड एल्युमिनियम पेस्ट बाल्टी मोर मैग्नीशियम सल्फेट मोरिशन ट्रेगा कैंस जेली बोरिसन पेस्ट कंपाउंड पाउडर सिर्ज पाउडर और आपका कंपाउंड बंजोक एसिड ऑइंटमेंट जिसमें एसिड और बंजोक एसिड है विटफील्ड ऑइंटमेंट के नाम से कहा जाता है चॉइस ऑफ rate इन क्रीम डिपेंड्स अपॉन इट्स रेट ऑफ texture, एक्सचेंज इट्स इफेक्ट ऑन and D विस्कोसिटी ऑफ the एंड डी ऑल ऑफ ह्यूमेक्टेंट की चॉइस इन सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर वन फाइव फोर सिक्स पर जीरो जेल इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन uh, दिया था डिस्कशन किया था सॉलिड जेल विथ हाई सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन हाइड्रोजेल होता है सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन सॉलिड जेल विथ लेस क्रॉस लिंकिंग जेल विदाउट सॉल्वेंट जेल विदाउट सॉल्वेंट एरोसॉल होता है सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन क्या कहलाता है आपका जीरो जेल कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों जीरो जेल कहलाता है तो यहां पर जो करेक्ट करेक्ट आंसर होगा सॉलिड जेल विथ लेस क्रॉस लिंकिंग सॉलिड जेल विथ लो सॉरी बी आंसर सॉलिड जेल विथ लो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन बी इज द राइट आंसर होगा बी क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा जेल विदाउट सॉल्वेंट एरोल होता है चलिए त फॉर्मुलेशन आर वेरी थिक एंड स्टिफ इंटमेंट जेलीस एंड पॉलिटिस वॉट इज द राइट आंसर वेरी थिक एंड स्टिप प्रिपरेशन बहुत ज्यादा थिक है और कैसी है स्टिप प्रिपरेशन है कैसी है थिक है और स्टिप प्रिपरेशन है इट मींस क्या होगा डेफिनेशन पेस्ट की डेफिनेशन है बच्चों पेस्ट क्या होते हैं थिक और स्टिप प्रिपरेशन होती है तो ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए मिसलेनियस जेलीज आर यूज फॉर पैच टेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दी अवब क्या होगा आंसर यस yes. तो पेच टेस्टिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दोनों के लिए मिसलिनियस जेलिस को यूज करते हैं किसको यूज करते हैं मिसलिनियस जेलिस को विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव बोरेक्स मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन बोरेक्स और मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन तीनों के तीनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं ट्राईनोमीन प्रिजर्वेटिव नहीं होता ट्राई इथोन इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी चलिए आज की डिस्कशन का या आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन टेकिंग अप ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड बाय जेल विदाउट मीजरेबल इंक्रीज इन दॉल्यूम इज टर्म एज इनवाइब्रेशन स्वेलिंग जीरो जेलिस तो बच्चों स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम वो, का इंक्रीज हो जाना यहां पर लिखा है विदाउट so, तो स्वेलिंग तो हो होगा नहीं जीरो जेल मतलब जेल विद लेस अमाउंट ऑफ सोलवेंट यह भी नहीं होगा सिनेडेसिस मतलब उज आउट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम दी जेल ये भी नहीं होगा तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होना चाहिए वाटर तो लिक्विड तो इंटेक कर रहा है लेकिन आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इम्बाइबेशन चलिए तो ये इम्बाइबेशन इज द राइट आंसर महामेराथन सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना आपको है आपको जीडीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है उसको इंस्टॉल करना है बैच पर विजिट करना है और बैच में जाने के बाद आपको जीडीसी डीसी जीपैट ट्वेंटी आपको बैच uh, कोड uh, इसमें पुट करना है और डेफिनेटली आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और हमारा थर्ड जनवरी को जी जीप, जीपट अचीवर टेस्ट uh, शुरू uh, होगा जनवरी को और इसकी टाइमिंग सेवन पीएम से पीएम तक uh, रहेगी ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ओपन रहेगा ओके चलिए तो हम लोगों ने तय समय पर तय समय में फिफ्टी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए डेफिनेटली थोड़ा सा जो नेटवर्क इश्यू हुआ था उससे हमने पार पाकर डेफिनेटली हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया चलिए बहुत मजा आया चलिए बहुत बढ़िया तो बच्चों ध्यान रखिए अपना और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत करते रहिए पढ़ाई बहुत जरूरी है एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है अभी तक हमारी जो थर्टी 31st जो जो क्लास क्लास थी आज नंबर की जो क्लास हुई है उस तक के आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि इस अगर महामैराथन सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तो पढ़ते रहिए टेस्ट जब भी आप अटर, आप मैराथन सीरीज की क्लास जो आप मैराथन सीरीज अब जब आप अटेंड करने आए लेक्चर मैराथन महा मैराथन सीरीज का जब लेक्चर अटेंड करने के लिए आए आप रात नौ बजे तो उससे पहले वो टॉपिक अपने नोट से या अपनी बुक्स से आपके कंटेंट से तैयार करके आइएगा तब आपको और अच्छा लगेगा जिससे आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट होता चला जाएगा चलिए अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय गुड नाइट